महागठबंधन को वोट करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जाति पाति इसको कोई लेना देना नहीं। मेरे भैया ने किए, वो भी पुलिस का पेपर किया था, वो लीक हो गया। बताओ कमाई तो बढ़ रही होगी, कमाई बढ़ी है ना? कमाई तो वैसे होगी, कबर को हाल मुद्दा जान कितनी मट्टी पड़ी है। इस सरकार में सबसे ज्यादा छात्र नौजवान परेशान है और ये किसान छात्र नौजवान बेरोजगार विरोधी सरकार है। भाजपा सरकार को इस बार देश और प्रदेश से छात्र नौजवान किसान इस तरह से सफाया कर देंगे जो कि दोबारा भविष्य में वापस नहीं आएगा। छात्र और नौजवान की क्या परेशानी है? बहुत ही पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब बिल्कुल हाई स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया वीक है तभी तो पेपर लीक है। और देश के जो छात्र नौजवान इतना पैसा भूख रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके माता पिता बताओ उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने कितनी पढ़ाई करी है? मैं बीए कर रहा हूँ। आपने कोई नौकरी की तैयारी की? नहीं, मेरे भैया ने किए, वो भी पुलिस का पेपर किया था, वो लीक हो गया। बताओ शिक्षा महंगी हो रही है, ये भी मुद्दा है क्या? बहुत महंगी हो रही, जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिला करती थी, आज सरकार ने वो भी बंद कर दी है। जी आ गए, बहुत गुस्सा में, आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहे हो? देखो आम जनता की बात बताऊं आपको, 18% GST लोहे पर है, 12% पापा है, जो 70,000 मोटरसाइकिल आज 1,00,000 की हम ले रहे हैं, जो 5,000 ट्रैक्टर वो 7,00,000 को है, और जो होगी क्या बताऊं आपके, सोनो जो है सोनो किसी को लीजिए ना मिले, वो बालकन शादी नकली सोनो चढ़ाने पड़े 70,000 रुपये। कमाई तो बढ़ रही होगी, कमाई बढ़ी है ना? कमाई तो वैसे होगी, कबर को हाल मुद्दा जान कितनी मट्टी पड़ी है। 1500-1700 की DAP और देखोगी लगाओ बाबा दवा इतनी है, दवा क्यों कमीशन इतनी ले रहे हैं? हर कंपनी कमीशन इतनी ले रहे हैं, बीजेपी बारी कुछ काम नहीं, कमाई ना बढ़ी है तुझे कमाई। मैं नवाबगंज विधानसभा से हूँ। गंगवार लोग गुस्सा है क्या भाजपा से? नहीं, गंगवार लोग गुस्सा नहीं, भाजपा की कार्यशैली से गुस्सा है। हम लोग देहात के रहने वाले किसान गरीब मजदूर की सरकार नहीं है, ये जो है बड़े व्यापारियों की सरकार है। किसान, हम किसान घर में पैदा हुए, अगर किसान की आय अगर इन्होंने दुगनी करने का वायदा किया था तो हम ये कह रहे हैं 2014 में आए हैं, अब 24 हो रही है, 10 साल में अगर जो दुगनी करने का कहते तो 50 रुपये हर साल गन्ने बढ़ाते रेट के, तो 10 साल में 500 रुपये बढ़ जाते हैं और 350 जो है ये 850 का गन्ना होता हमारा, तो किसान की आय दुगनी हो जाती। अब इन्होंने दुगनी की जगह हर चीज़ पर 10 गुना कीमत बढ़ा दी है, अब 10 गुना हमारी किसान की गरीब की मजदूरी बढ़ाते, किसान के गेहूं धान गन्ना पर रेट बढ़ाते 10 गुना, तो हमें भी किसान को आय दुगनी होती, किसान सुखी संपन्न होता। आपकी लोकसभा बरेली है? हमारी लोकसभा बरेली। तो आप लोग तो संतोष गंगवार को 8 बार से सांसद बनाते आ रहे हैं, उन्होंने आपके मुद्दे नहीं उठाए क्या? 8 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, कुछ आपके समाधान ये रेट बढ़ाने या बात कर रहे हैं, सब पे बात करी उन्हें नहीं करी? अरे भारतीय जनता पार्टी ये सरकार उनकी सुनती ही कहाँ है? ये तो बात भी करी भाई साहब, बात इसलिए नहीं कर, बात करी है कि उन्होंने OBC की किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता है मोदी सरकार, क्योंकि 90 मंत्री मंडल में है, इसमें OBC के 3 है, तो इन्हें बोलने का मौका कहाँ दिया गया था? कभी हम तो कभी बोलते देखा नहीं, कभी मौका दिया तो बस छोटी मोटी बातें कही, अरे खामोश हो जाओ बैठ जाओ, बोलने नहीं दिया जाता है मोदी सरकार में। अमित शाह मोदी और ये वगैरह वगैरह यही बोलते हैं, बस यही कास्ट को लोग बोलते हैं। तो संतोष जी को इस पर गुस्सा तो होना चाहिए था, वो तो शांत बैठे रहते हैं। अरे गुस्सा होके क्या कर रहे हैं जो है बुढ़ापे पे गुस्सा होके, अब शांति ही बैठना सही है। पहले तो बूढ़े ना आए, अरे बूढ़े आज भी नहीं है, ताकत उनकी बहुत है, मगर वो ताकत दिखाने में ऐसी भूमिका निभाते हैं कि दोनों एक तीर से दोनों निशाने साथ। एक लड़ाई और चल रही है गंगवार और ब्राह्मण की, उनने कह दी कि हम पता नहीं क्या कह दी है, वो तो आप लोग बताइए, तो उस लड़ाई का क्या है? उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, ब्राह्मण गंगवार की लड़ाई है तो हमारी और कोई लड़ाई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि किसान गरीब मजदूर की जो सरकार भला करेगी उसी को वोट करेंगे, उसी की सपोर्ट करेंगे, और ये तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और नए नए बड़े बड़े बनियन की सरकार। छत्रपाल जी को वोट करेंगे नहीं करेंगे, सीधा सवाल है? हम वोट करेंगे, किसान गरीब मजदूर का जो बात सुनने वाला है उसको, जिसकी सरकार प्रधानमंत्री कुर्सी बैठने वाला है वो माननीय अखिलेश यादव और महागठबंधन है, महागठबंधन को वोट करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जाति पाति इसको कोई लेना देना नहीं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गंगा जमुना तहजीब की तरह जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हमने एक थाली में खाना सीखा है, एक थाली में खाने खाते चले आए और खाएंगे।
आपकी सरकार ओबीसी की बात करेगी, पिछली जातियों की? हमारी सरकार ओबीसी की नहीं, सभी वर्गों की बात करेगी, किसान गरीब मजदूर की बात करेगी, व्यापारी की बात करेगी और सभी को साथ लेके चलने की बात करेगी। यही हम चाह रहे हैं, गरीब जनता चाह रही है। तो दोस्तों, ये मनोहर लाल गंगवार जी हैं, जिनका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं नाराज हैं वो भाजपा से, और भाजपा को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को वोट करेंगे उनका कहना है, और प्रवीण सिंह एरन के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तुमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।